हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हो? मैं हूँ सुनीता। सुनीता विलेज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम देसी करेले की सब्जी बनाएंगे। सबसे पहले हम देसी करेले को तोड़ लेते हैं। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और शुगर के मरीज़ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आज मैं आपको देसी करेले की सब्जी हमारे गांव में कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। सबसे पहले हम सारे करेले तोड़ लेते हैं। जो करेले थे उसको डालेंगे, एक साथ हम सारे करेले डाल देंगे और इसे हिलाते हुए 1-2 मिनट तक पकाएंगे। करेले को तोड़ लिया है, अब हम इसे अच्छे से धोएंगे। एक बर्तन में मैंने पानी को डाल दिया है और उसमें हम करेले डालकर अच्छे से इसे धो लेंगे। धोने से इसकी सारी अशुद्धियाँ मिट जाएगी। करेले को धोने के बाद हमें इसे काटेंगे। इसे आगे और पीछे से थोड़ा सा काट लेंगे और एक करेले के 2 हिस्से कर देंगे। इस तरह हम सारे करेलों को काट लेंगे। मैंने यहाँ पर सारे करेले काट लिया। इन करेलों में कड़वाहट ज़्यादा होती है, इसलिए हमें नमक डालकर इसे रात भर के लिए रखना होगा, जिससे इसका कड़वाहट दूर हो जाए। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर 1-2 घंटे के लिए रख दीजिए। मैं इसे रात भर के लिए रख रही हूँ। करेले ने काफ़ी सारा पानी को छोड़ दिया है, अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। करेले का पानी निकाल कर अब हम इसे अच्छे शुद्ध पानी में डालकर धो लेंगे, जिससे इसका सारा कड़वापन निकल जाएगा। करेले को अच्छे से वॉश कर लिया, अब एक छन्नी लेंगे, उसमें करेले को डाल देंगे और थोड़ी देर सुखा देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालकर गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरे को चटकने देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम करेले में कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैं थोड़े ही मसाले डाल रही हूँ। 1-1.5 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक इसमें पहले भी है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और इसी मसाले के साथ हम इसे पकाएंगे। इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती। अब इसे 5-6 मिनट बिना ढक्कन दिए पकाएंगे। ढक्कन लगाने से ये कड़वे बन जाएंगे। करेले हमारे बनने के लिए तैयार हो गया। इसे 2-3 मिनट तक हम और पकाएंगे। करेले की हमारी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। अब हम करेले की सब्जी को सर्व करेंगे। करेले की टेस्टी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे सभी बच्चे बूढ़े सभी बहुत पसंद करते हैं। ये डायबिटीज़ मरीज़ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आप चाहें तो करेले की सब्जी एक साथ बनाकर 2-3 दिन तक इसे फ्रिज में रखकर खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। तो टेस्टी करेले की सब्जी तैयार है, आप रोटी या पराठों के साथ खाएँ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।